आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि एक अनार और 100 बीमार, लेकिन आज मैं बात करूंगी 100 बीमारियों के लिए सिर्फ एक दवा। वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन एंड ओनली वन औषधि, विच इज अर्जुन की चाल, एंड दैट इज गोइंग टू क्योर मेनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। एंड यू नो वट इज द वंडरफुल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट द बेस्ट टाइम टू यूज दिस औषधि फ्रॉम नवम्बर टू जनवरी, यू कैन यूज दिस औषधि। इन 3 महीनों में ही आपको इस चीज को यूज करना है, एंड बियॉन्ड दिस 3 मंथ यू कैन नॉट यूज अर्जुन की चाल, क्योंकि हर चीज का जो है वो अपना एक टाइम पीरियड होता है। अगर आप उस चीज को उसी टाइम में यूज करते हो तो आपकी बॉडी को बेनिफिट देता है, लेकिन अगर आप बाद में उससे पहले उसके टाइम से पहले यूज करते हो तो वही चीज आपकी बॉडी को नुकसान करती है और आपकी बॉडी के बैलेंस को खराब कर देती है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी थिंकिंग व्हाट इज दिस मैजिकल अर्जुन की चाल। वेल गाइस, अर्जुन जो है एक ट्री का नाम है, और इसकी चाल को हम पाउडर बना के बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं। जब आप इसको बॉयल करोगे तो ये हल्का पिंक कलर का रंग देता है। इसका जो नेचर होता है वो कूल इन नेचर होता है, यानी ये शीतल होता है। और मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि ये 3 चीज़ों को बैलेंस करता है, जिनको मिला के हमारी बॉडी बनी है, वात, पित्त एंड कफ। अगला है व्हाई टू यूज अर्जुन की चाल। विल गाइस, ये 3 चीज़ों को जो है वो एक साथ ट्रीट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सबसे ज़्यादा ये पित्त और कफ को ठीक करेगा, एंड आफ्टर दैट ये बात को क्योर करता है। उसके बाद गाइस, जो भी ब्लड एसिडिटी होती है, जैसे आपके ब्लड में एसिडिटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, उसको हम जो है वो रक्त पित्त भी बोलते हैं। और जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल इज़ अ काइंड ऑफ कचरा, वो कचरा होता है जो आपके ब्लड में इकट्ठा होता जाता है, बैड फैट, और उसकी वजह से जो है कार्डिक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो उस चीज़ को भी ये क्योर करता है। उसके बाद ओबेसिटी, डायबिटीज़ और जैसे अल्सर की प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को भी ये ट्रीट करता है। इसको जो है वो कार्डिक टॉनिक की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हार्ट को सपोर्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को एनहेंस करता है। उसके बाद गाइस, इसमें जो है वो 60% टैनिन होता है। टैनिन इज़ अ काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। इसके साथ साथ इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट होता है, वो 23% प्रेजेंट होता है। इसलिए इसका यूज़ जो है वो बोन फ्रैक्चर में किया जाता है, यानी बोन को हील करने में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 100 तरह की बीमारियों को ट्रीट करता है, बट वीडियो में 100 तरह की बीमारियों को बताना इज नॉट ईजी फॉर मी और नॉट फॉर यू एज वेल। सो गाइज, मैं बात करूंगी उन बीमारियों के बारे में विच आर वेरी कॉमन इन दीज डेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई ब्लड प्रेशर। जब भी हम कोई फैटी ऑयली चीज़ खाते हैं तो कुछ टाइम के बाद हमारे ब्लड में जो है वो फैट का लेवल इंक्रीज हो जाता है, वो गंदा फैट होता है, उसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। जब वो बढ़ने लगता है तो ब्लड को गाढ़ा कर देता है, उसको थिक कर देता है, जिससे ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, और जिसकी वजह से जो है वो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हार्ट तक अच्छे से नहीं पहुंच सकता, और हार्ट से बॉडी में अच्छे से नहीं जा पाता। तो इस वजह से जो है वो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक 1 टेबलस्पून ऑफ अर्जुन की चाल का पाउडर एंड मिक्स इट विद 2 ग्लास ऑफ वाटर, और उसको जो है बॉयल कीजिए। बॉयल करने के बाद जब वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, कम रह जाएगा, तब आप उसको ले सकते हो। लेना कब है? सुबह लेना है, शाम को लेना है। सुबह खाली पेट आपको लेना है और शाम को खाना खाने से पहले लेना है। इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहा है, पॉल्यूशन में चेंजेस हो रहा है, हर चीज़ में चेंज हो रहा है, तो हमारी स्किन में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जो रिंकल्स जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग आते थे, अब उससे पहले आना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 1/2 टेबल स्पून ऑफ अर्जुन की छाल का पाउडर, मिक्स इट विद सेम क्वांटिटी ऑफ बादाम का तेल प्लस हल्दी, हल्दी यानी वाइल्ड टर्मरिक मैं बोलूँगी, जो जंगली हल्दी होती है, प्लस आपको जो है कपूर उसमें ऐड करना है, और प्लस आपको विटामिन ई के कैप्सूल मिल जाते हैं, आप उसको ऐड कर सकते हो। आपको सारी चीज़ों को जो है मिक्स करना है, एंड देन यू हैव टू मेक इट इन फॉर्म ऑफ उपटन। सुपटन को अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। आप इसको जो है अल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हो, एंड यू विल सी डिफरेंस बाय योरसेल्फ। थर्ड, मैं बात करूँगी मेक अ हेल्दी कार्डिक टॉनिक फॉर योर हार्ट के लिए। तो गाइज, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है वो 4 से 8 टीस्पून, नॉट टेबल स्पून, टी स्पून आपको जो है वो अर्जुन का क्वाथ लेना है। क्वाथ जो होता है वो एक प्रोसेस होती है आयुर्वेदा में, जिसमें क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस को
पानी में इतना गर्म किया जाता है ताकि उस सब्सटेंस का जो नेचुरल वाटर कंटेंट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वो केमिकल फॉर्म में बच जाता है उसको। और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो 4 से 8 चम्मच आपको अर्जुन के कवाथ के लेने हैं, प्लस उसको आप पानी में मिक्स कर लीजिए या फिर आप दूध में मिक्स कर लीजिए। इसको आपको जो है दिन में 1 बार या 2 बार आफ्टर फूड लेना है। बहुत सारे लोगों को जो है वो डायरिया की प्रॉब्लम होती है एज वेल एज कॉन्स्टिपेशन। डायरिया की प्रॉब्लम होती है वो मेनली ड्यू टू द एग्रीवेशन ऑफ बाता। बाता मीन्स जो वायु आपकी बॉडी में होती है, जब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो वो क्या करती है, आपके इंटेस्टाइन से जो है वो सारे फ्लूड्स को लेके जो है आपके स्टूल में मिक्स करती है और उसके साथ साथ आपका जो है वो डायरिया स्टार्ट हो जाता है। उसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना है, 10 से 20 ml आपको जो है अर्जुन का क्वाथ लेना है, मिक्स इट विद वाटर और हनी, देन टेक इट आफ्टर लाइट मील। तो इससे क्या होगा, आपकी जो डायरिया की प्रॉब्लम होगी वो सही हो जाएगी। उसके बाद मैं बात करूंगी UTI की। UTI जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। अब जो अर्जुन की छाल है वो एंटीबैक्टीरियल होती है और एंटीमाइक्रोबियल होती है, साथ साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। UTI जो होता है वो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो उसको क्योर करने के लिए आप कैसे क्योर कर सकते हो, यू हैव टू टेक 4 से 8 teaspoons ऑफ अर्जुन क्वाथ, मिक्स इट विद वाटर और दूध के साथ वंस और ट्वाइस इन अ डे आफ्टर मील। खाना खाने के बाद आपको लेना है। उससे क्या होगा, जो UTI में क्या होता है, देयर विल बी अ पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड सेकेंड थिंग यू विल फील अर्जेंसी टू गो टू वॉशरूम अगेन एंड अगेन। तो उस चीज़ के लिए जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगली मैं बात करूँगी द मोस्ट एंड कॉमन प्रॉब्लम दिस डे, वो है बाता यानी वायु का बढ़ जाना आपकी बॉडी में। आपने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं, किसी इंसान के बारे में बोल देते हैं कि इस इंसान में तो सिर्फ हवा ही भरी हुई है, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बोलने का मतलब, इंसान देखने में मोटा लगता है लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती। उसका रीज़न होता है, जब आपकी बॉडी में वायु इंक्रीज होती है तो आदमी का चेहरा फूल जाता है, उसकी बॉडी फूल जाती है, लेकिन उसके अंदर का जो ब्लड है, जो स्ट्रेंथ है, वो रिड्यूस होता है। वो नॉर्मल लेवल का होगा, वो उतना नहीं होगा जितना वो लगता है। मैं कॉमन प्रॉब्लम बोल रही हूँ क्योंकि आज हर इंसान को ये प्रॉब्लम है, हर इंसान को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन आपको अभी पता नहीं है क्योंकि आपको ये कम प्रॉब्लम है। लेकिन जिनको ये बहुत ज़्यादा हो जाती है उनको ये बहुत प्रॉब्लम करती है। इस जो गैस की प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अर्जुन की छाल का पाउडर जो है वो 1/2 चम्मच लेना है, उसको 1 ग्लास दूध में मिक्स कर लीजिए। आप सुबह उसको ले सकते हो और साथ में उसमें गुड़ ऐड कीजिए, बट नेवर एवर ट्राई टू ऐड जो शुगर होती है, जो वाइट पाउडर होता है, चीनी जिसको हम बोलते हैं। चीनी जो होती है बहुत डेंजर होती है हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी में एसिडिटी का लेवल इंक्रीज करती है। उसको बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए। अगर आपके पास चीनी आपके पास गुड़ नहीं है तो ठीक है, आप चीनी भी मत ऐड कीजिए। आप सौंठ ऐड कर सकते हो, सौंठ बहुत अच्छी होती है। और अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप मिश्री ऐड कर सकते हो, बट अगेन मिश्री में भी मिलावट होती है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको देखना पड़ेगा आप मिश्री ही यूज़ कर रहे हो या देयर इज शुगर इन फॉर्म ऑफ मिश्री, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट रक्त प्रदर। ये प्रॉब्लम जो है फीमेल्स में तब होती है जब जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, मंथली ब्लीडिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वो बहुत ज़्यादा होती है तो बॉडी में कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, अर्जुन की छाल का पाउडर लेना है, उसको जो है आपको दूध में उबालना है। 1 कप दूध में उबाल लीजिए, जितना वो बच जाता है इन फॉर्म ऑफ काढ़ा आपको उसको लेना है। उसमें आप थोड़ी सी मिश्री भी ऐड कर सकते हो, आप दिन में 2 या 3 बार उसको ले सकते हो, एंड यू विल सी कि इस प्रॉब्लम में जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है। आई विल टॉक अबाउट वन फ्रैक्चर, उसको कैसे हील कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें 23% जो है वो कैल्शियम सॉल्ट होता है, तो ये हड्डियों को एकदम से रिकवर करता है। लेकिन अगर आपकी वोन फ्रैक्चर है तो आपको इसको कैसे लेना है, 1 चम्मच जो अर्जुन की छाल का पाउडर होता है उसको दूध में मिक्स कर लीजिए, उसको 2 से 3 बार दिन में लीजिए और उसको कुछ हफ्तों तक लेते रहिए। दूसरी बात, अगर आपकी बोन टूट गई है उसको हील करना है तो आपको क्या करना है, आपको जो है अर्जुन के पाउडर या अर्जुन की छाल को जो घी होता है उसमें पीस लीजिए। पीसने के बाद उस जगह लगा दीजिए और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि आपकी वोन जो है वो हील होना स्टार्ट हो गई है। सो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट पिंपल्स की जो प्रॉब्लम होती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से और इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल में चेंज होने की वजह से ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती जा रही है। तो अगर आपको अपने पिंपल्स को जो है वो
क्योर करना है तो उसके लिए आपको अजवाइन की छाल का पाउडर लेना है, उसमें जो है आप शहद मिक्स कर लीजिए और जहाँ जहाँ पे आपको पिंपल होते हैं आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बेस्ट मैं आपको बोलूँगी कि आप इसको जो है वो लेना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि नवंबर से जनवरी तक आप इसको ले सकते हो, आफ्टर दैट यू हैव टू स्टॉप इट। प्रकृति ने ये 3 महीने हमारे लिए बनाए हैं ताकि हमने जितना भी एक साल में कचरा अपने अंदर डाल लिया है उसको हम इजिली बाहर निकाल सकें। तो इन 3 महीनों में अपनी हेल्थ को आप इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। जब आप इसको ड्रिंक करोगे तो ये ऑटोमेटिक ब्लड से कचरा निकाल देगा और जब ब्लड में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हो जाते हैं तभी हमें एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। तो फेस पे अप्लाई करना चाहते हो दिस इज़ अप टू यू, लेकिन अगर आप इसको लेते हो रेगुलर बेसिस पे लेना स्टार्ट कर रहे हो फॉर 3 मंथ तो भी आप अपनी स्किन में ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखोगे, क्योंकि ये स्किन पे ग्लो लेके आता है, रिंकल्स फ्री बनाता है, फाइन लाइन को रिड्यूस करता है और साथ साथ में एक्ने और पिंपल्स को भी क्योर करता है। आई होप गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट्स होता है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो। सो गाइज मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।